गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, 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 हो नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, हो हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हो हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, ओ नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करके गाओ मेरे साथ। Oh,
बड़े भाव से दोनों हाथों की तालियों की सेवा देते हुए देखता हो उस ज्योतिषी के पास जाना और अपना हाथ दिखाना, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वह ज्योतिषी जब आपके हाथों की रेखा देखेगा ना तो एक ही बात बोलेगा, क्या बोले, आपकी रेखा जो है ना राहु और केतु वाली रेखा और शनि वाली, ये तीनों गड़बड़ चल रही है। ज्योतिषी जरूर इसी बात को बोलता है। तो जब भी आप जाएं रेखा दिखाने तो वह ज्योतिषी जब बोले ना कि आपकी राहु केतु और शनि वाली रेखा गड़बड़ चल रही है, तो बस इतना सुन करके और चले आना, आपको कुछ करना नहीं है। और आकर के आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या बोले, जब भी कीर्तन हो कथा में डेली आना है, और जब भी कीर्तन हो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है। अभी मत बजाओ, अभी सुन लो। तो जब तक कथा हो आपको केवल तालियों की सेवा करनी है और कुछ नहीं, ताली बजाना है। और जब कथा पूरी हो जाए ना, लास्ट डे कथा का, तो पूरी जब कथा हो जाए तो फिर से वापस उसी ज्योतिषी के पास जाना और अपनी वही हाथ की रेखा दिखाना। तो मालूम है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर सच्चा ज्योतिषी होगा ना तो एक ही बात बोलेगा तुमसे, बोले अरे चार दिन पहले तुम्हारी तीनों रेखाएं गड़बड़ चल रही थी, लेकिन आज तो तुम्हारी तीनों रेखाएं एकदम सही हो गई। ये भगवान नाम के संकीर्तन में ताली बजाने की महिमा है, इसलिए बजाओ। पहली रेखा बनाता है माथे की रेखा,
मस्तिष्क रेखा, जिसको बोलते हैं नसीब, है ना, यही रहता है ना नसीब हमारा, है ना। जब कोई गुस्से में होता है, कुछ गड़बड़ पे गड़बड़ चल रही होती है, तो माथे को ठोकता है, ऐसे ठोकता है ना, गलत तो नहीं कह रहा, हाँ, क्या कहता है, मेरे तो नसीब ही खोटे, हाँ, किस्मत ही खराब। तो पहली रेखा माथे की रेखा बनाता है, दूसरी बनाता है हाथ की रेखा, और तीसरी रेखा कहां होती है कोई बताएगा, जोर से बोलो, सिर में, पैरों में, अच्छा, तीसरी रेखा होती है पैरों में, होती है ना नीचे सबसे तलुए में। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर ब्रह्मा जी ये रेखाएं न बनाते तो क्या हमारा शरीर नहीं पूरा होता, जब भी बनता, लेकिन फिर विधाता ने ये रेखाएं क्यों बनाई, क्यों बनाई बताओ, पता है किसी को, आप तो बहुत कथाएं सुनते हो, सिर्फ एक ही काम के लिए बनाई है ये, हाथ की रेखा, माथे की रेखा और पैरों की रेखा। विधाता ने इंसान को जब बनाया तो बोले खूब काम करो, खूब धन कमाओ, खूब परिवार का पालन पोषण करो, सब काम करो, लेकिन जहां भी मेरी कथा हो, जहां भी मेरे नाम का कीर्तन हो, यानी प्रभु के नाम का, तो बोले उसमें इनकी जो है आवश्यकता पड़ती है, एक तो हाथ की कीर्तन ताली से बोला जाता है ताली, तो बोले अगर कीर्तन हो रहा हो कथा में तो हाथों की जो रेखाएं अगर आपको बदलनी है तो ताली जरूर बजाना, पहली बात हाथ की रेखा बदल जाएगी, तुम्हारा सब जो गड़बड़ चल रहा है खत्म हो जाएगा, और दूसरा माथे की रेखा कैसे बदलेगी, चलो हाथ की रेखा तो अच्छी हो गई ताली बजाने से, लेकिन माथे की रेखा कैसे अच्छी होगी, तो ताली बजाने का एक नियम बनाया विधाता ने कि जब भी प्रभु के कीर्तन में ताली बजाओ ना तो कभी ऐसे मत बजाओ, ध्यान देना, बहुत से लोग ऐसे बजाते हैं ना, हाँ मन ही मन में बजा लेते हैं, मन ही मन में, तो बोले ताली कैसे बजानी चाहिए, बोले ताली बिल्कुल माथे की रेखा के सामने हाथ ऐसे होने चाहिए, मस्तिष्क रेखा के सामने ऐसे हाथ होने चाहिए। तो इससे एक तो देखो तुम्हारे हाथों की रेखा बदल रही है और माथे की रेखा भी बदल रही है, यहां से ऐसे एक बार बजा के दिखाओ मुझे कैसे बजाते हो, बच्चे का जन्मदिन होता है फिर देखो घूम घूम के नाचते हैं, लेकिन ये पैरों की रेखा शादी ब्याह में नाचने के लिए नहीं बनाई। पैरों की रेखा अगर आपको सही करनी है तो विधाता कहते हैं कि अगर आपको नृत्य करना ही है, आपका मन नहीं मानता तो नृत्य करना ही है, तो बोले मेरे दरबार में करो, प्रभु के दरबार में करो, भगवान के दरबार में करो,
इससे तुम्हारी पैरों की रेखा बदलेंगी। अच्छा एक बात बताऊं, अभी देखो एक ऐसा आश्चर्य मुझे मिला, अभी चंडीगढ़ में कथा कर रहे थे तो वहां पर एक मैया आई करीब 70-75 साल की, मुझसे मिली तुम्हारे सामने की बात। हाँ तो पिछली साल में वहां कथा करके आया था, जनवरी में थी पिछली बार, तो अभी मेरी कथा हुई कितनी तारीख से थी, तो अभी कथा करके आया। तो वो मैया पिछली बार जब मैंने कथा की थी जनवरी में चंडीगढ़ में, तो उस समय वो मैया आई होगी कथा में, तो मैं ऐसे ही बता रहा था जैसे आज आपको बता रहा हूं रेखाओं के बारे में। तो देखो वो 70 साल की मैया मेरे पास अभी आई इस कथा में और आके बोली कि ठाकुर जी आपने मेरा एक कष्ट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, एक दुख जिसके कारण न मैं जी पा रही थी न मर पा रही थी। मैंने कहा कैसे? बोले जब आप पिछली बार कथा करने आए थे तो मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था, इतना दर्द, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया था। बोले ऑपरेशन होगा, उसके बिना नहीं जाएगा। बोले मैंने आपकी बात पे भरोसा किया और मैं खूब जो है जब तक कथा हुई खूब नृत्य किया, सातों दिन नृत्य किया मैंने जैसे आपने बताया, हर भजन पे मैं नृत्य करती थी। और देखो आज आप दोबारा आए हो, मेरे पैरों का कष्ट बिल्कुल खत्म हो गया। भैया जिसको कोई नहीं कर सकता ना उसको प्रभु का नाम कर सकता है, इसलिए ताली बजाते रहो। डीजे पे नाचती है ना, यानी संसार के काम में नाचती है, उनको तो नाचना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान के दरबार में नाच ली ना तो कभी भी बहुओं को सासुओं के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, हंसने की बात नहीं है। हो कहां पाऊं माखन में कहां पाऊं मिसरी, कहां पाऊं माखन में कहां पाऊं मिसरी, कहां पाऊं माखन में कहां पाऊं मिसरी, कहां पाऊं माखन में कहां पाऊं मिसरी। ओ कहां पाऊं मटकी दही से भरी रे तेरी, कहां पाऊं मटकी दही से भरी रे तेरी, कहां पाऊं मटकी दही से भरी रे, गोपाल तेरी पूजा
पाऊं